सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। रिसेंटली हमको आसू सारोजी ने एक मौका दिया एंड करेंटली वी आर वर्किंग विद द आरओजी फ्लो एक्स 13। इट केम विद एन आरटीएक्स 3060 ईजीपीयू। सो रिसेंटली एनवीडिया ने एक फीचर इन्वॉल्व कराया विच इज रे ट्रेसिंग। एंड व्हाट इट डज इज कि जितना भी हमारे गेम के अंदर जितने भी लाइट फीचर्स होते हैं जो कि लाइट एमिट कर रहे होते हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रीट लाइट है, कुछ भी है, सो वो इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है कि वो बिल्कुल ही रियलिस्टिक लगता है। एंड जब आप खेल रहे होते हो तो वो इस तरीके से शोकेस करता है कोई भी लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट होता है कि वो अगर आप रियली उस वर्ल्ड में होगा तो आपको उसी तरीके का बिल्कुल रियलिस्टिक एक फील देता है। सो आई गेस इट इज प्रेटी प्रेटी कूल जो एनवीडिया ने लाया है। एंड जब आप गेम खेलते हो से फॉर एग्जांपल कॉल ऑफ ड्यूटी एंड ऑल, सो आपको एक बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस मिलता है उसके वजह से। जितना भी मैं अपना स्पेंड कर रहा था वो मैं उस आरओजी फ्लो एक्स 13 के साथ कर रहा था। अगर मुझे वैलोरेंट खेलना था एंड जस्ट बिकॉज इट कन्वर्ट्स इनटू अ टैबलेट, अगर आप उसको कीबोर्ड को अगर आप टर्न कर दो तो मैं आई वॉज चिलिंग विद इट एंड मतलब इट वॉज फन यूजिंग इट। बहुत ही अपकमिंग कूल रैपर है सीधे मौत ऑफ द इन द सीन ऑफ इंडिया, तो उनके साथ मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ चिल करूं, कुछ बातें करूं और उनका एक्सपीरियंस शेयर करूं। उनको भी मुझसे कुछ बातें करनी थी। सो या बहुत चिल होने वाला है, बहुत फन होने वाला है, तो अभी चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो मामा मेरे भाई, मैं हूँ काम, ये है अनकोर, हम दोनों साथ में सीधे मौत। अच्छा, हम बनाते हैं गाने, बस ऐसे ही चलती रहती है हमारी गाड़ी। बेसिकली बहुत सिंपल शिट होता है, 5 मिनट में, लिटरली 5 मिनट में ब्रो ये बनाया था, 5 मिनट में भी नहीं, कम। तो एक मतलब समझ रहे हो ना, एक थोड़ा सा सैड, थोड़ा एक की का लूप बना रखा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद आते हैं आपके क्लैप्स, मतलब सिंपल शिट है। अच्छा, और यहाँ पर है किक्स, यहाँ पे मैंने डाल रखे हैं थोड़े से पर्क्स, देन इट टर्न्ड आउट टू बी लाइक दिस। अभी मैं अभी थोड़ा पेस के लिए और उसके लिए हाई हैट और किक। नाउ द बीट इज कंप्लीट। सेक्सी भाई, आप बताओ कैसा लगा आपको बीट, कैसी लगी? सेक्सी, अच्छा था यार, मजा आया। Fuck yes, that's it bro, that's how you make a beat. So what is according to you are the best features of this laptop as a musician and as a rapper? ye laptop aapke liye kis tarike se kargar sabit hua for the past few days when you used it? Everyone has a system at their house jahan pe wo log kaam karte hain apne studio mein, but a musician also has to travel, has to play gigs, and for him a portable device like this laptop is very necessary. You can have fun on the go, you can make music on the go. We've enjoyed playing Valorant on this laptop. Bhai, Among Us. Among Us bhi to khela hum logon ne. Bro, and also abhi maine Call of Duty laga rakha hai download pe. You know, it's a crazy experience. मैं बता रहा हूँ, मैं तो खेलता रहता हूँ, मतलब मेरे को तो आता है, समझ रहे हो? इसको घंटा कुछ नहीं आता। क्या खेल रहा है? स्पाइक ने सैचुरेटेड कॉम्पी क्या? Bro, लेकिन बिना EGPU के काफी सही चल रहा है bro. हाँ, ये चीज मैंने, ऐसा है कि मैंने पहले भी खेला इसपे, 3 बार खेल चुका हूँ पहले। अभी आई वाज इन दिल्ली तो आई प्लेड फॉर लाइक 2 टाइम्स। हाँ हाँ, तो मतलब आई लाइक इट वेरी मच। माय बैड। यार मेरे को इस गेम में नाइफ होना बिल्कुल नहीं पसंद ब्रो। बेइज्जती होती है ब्रो, ऐसा लगता है
कसम से नहीं छोड़ यार, अनइंस्टॉल कर दो गेम। नहीं सॉरी सीटी, एक सीटी है शायद। अभी वो जेट मजे ले रहा है ब्रो। आया है। चलो भाई बहुत सही। ये अपना अनरेटेड स्पाइक रेस था। सो गाइस, अभी व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इज एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मैं खुद यूज करता आया हूँ, एंड वी आर गोना टॉक अबाउट द एनवीडिया ब्रॉडकास्ट। सो मेनली मैं एनवीडिया ब्रॉडकास्ट इस वजह से मैंने यूज करना शुरू किया था क्योंकि मैं पहले जो हेडफोन यूज करता था उसके साथ एक माइक आता था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि आप अगर माइक्रोफोन का सोर्स अगर आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे मेरे माइक्रोफोन के सोर्सेज आ रहे हैं और उसके बाद जो है नॉइज रिमूवल का यहाँ पे ऑप्शन आया था। सो अगर मैं इसको ऑन कर दूँ एंड देन उसके बाद ट्वीक कर लूँ, अगर मुझे ज़्यादा नॉइज रिमूवल चाहिए तो मैं इसको फुल कर दूंगा टूवर्ड्स द फुल टूवर्ड्स 100% और उसके हिसाब से मैं ट्वीक कर सकता हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा जो मुझे ज़रूरत थी एनवीडिया ब्रॉडकास्ट की, वो यहाँ पे मुझे ज़रूरत थी एक कैमरा फीचर की। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा कैमरा इनपुट सेलेक्टेड है एंड दिस इज़ द प्लेस आई ऑलवेज प्ले अराउंड विद बिफोर स्ट्रीमिंग एंड नाउ द फीचर इज़ कि मैं जो है बैकग्राउंड ब्लर कर सकता हूँ। सो उसके लिए आप देख सकते हो कि अगर मैंने बढ़ा दिया तो बैकग्राउंड और ब्लर हो गया एंड इफ़ आई टेक इट टू 100% तो देख सकते हो कि मैं एकदम से बिल्कुल अलग सा दिख रहा हूँ। लाइक मैं बिल्कुल इन फोकस दिख रहा हूँ एंड बाकी सारी चीज़ें पीछे आउट ऑफ फोकस लग रही है। आई गेस कि जो आपको फीचर्स कैमरा और माइक्रोफोन में मिलता है टू कैंसिल आउट द साउंड इन द सराउंडिंग एंड टू ब्लर आउट योर बैकग्राउंड, आई गेस दैट इज़ वेरी कूल। You know, you guys use the laptop for a couple of days. So what are the features you liked about the laptop and you know how do you see it being used by you know your communities yeah. in general? Thing jo mereko bahut zyada impress kara wo ki main itna dekh hi raha tha jab bhi ki bina eGPU ke bhi kafi smooth chal raha tha, usse kaam bol bhi raha tha. To eGPU ke sath to bhai kaisa hi lage it be a beast. So it's very powerful and it's very light uski power ke hisab se and plus it's flexible and I love the touchpad. तो एज अ गेमर मुझे ये था कि लैपटॉप में अगर आपके पास इनबिल्ट अगर आपके पास ईजीपीयू होता है, सो द थिंग इज जब आप गेमिंग करते हो तो वो जो फ्रेम रेट्स होते हैं गेमिंग के अंदर वो आपको इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। वैलोरेंट के अंदर जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि बिल्कुल बॉटम में एक जो ऑप्शन मिलेगा विच इज़ एनवीडिया रिफ्लेक्स लो लेटेंसी, तो ये क्या करता है कि अगर आपके पास ये अगर RTX कार्ड होगा, सो इफ़ यू गो ऑन अगर आप उसको ऑन प्लस बूस्ट कर दोगे, सो व्हाट इट विल डू इज़ कि जो है ये आपके फ्रेम रेट्स को इम्प्रोवाइज कर देगा विदाउट गिविंग मच प्रेशर ऑन द EGPU एंड द प्रोसेसर एज वेल। बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि मुझे एक सेकेंड को भी लगा नहीं कि आई एम प्लेइंग ऑन अ लैपटॉप। इट वॉज सो इमेंसली गुड एक्सपीरियंस जो था। सो आई विल से कि EGPU जो RTX 3060 का था जो आया था BlueX 30 के साथ, इट मेड अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस।